गया। जब अपने घर बैलों को लेकर के गया तो उसने खूब उनको मारा भी डंडे से और सूखा भूसा ही खाने के लिए दिया। आत्मसम्मान तो इनका आहत था ही, ऊपर से मार भी पड़ी और खाना भी ठीक से नहीं मिला। ठीक है, तब इनके मन में काफ़ी विद्रोह का भाव आया। जब इनको अगला दिन जोता गया, हल में जोता गया, तो दोनों ने ही हल चलाने से इनकार कर दिया। वह मारता रहा, गया को मार मार के थक गया, लेकिन किसी के पांव नहीं उठे। लेकिन जब हीरा की नाक पर उसने डंडा मारना शुरू किया तो मोती को गुस्सा आ गया और हल जोत वगैरह लिए हुए सारा भाग गया और उसने सारा कुछ तोड़ ताड़ दिया। अगर उनके गले में रस्सियाँ ना होती तो शायद वो पकड़ाई में नहीं आते। फिर भी उनके बैलों को पकड़ा गया, आदमी दौड़े हुए आए, हाथ में लाठी लेकर के आए। यदि वो उन्हें मारते तो हो सकता था कि मोती फिर विद्रोह करता और वो भी उन्हें मारता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह चुपचाप चले आए। हीरा से मोती कहता भी है कि यदि उसने अगर हमारे साथ मारपीट की होती तो मैं भी मार देता, लेकिन मोती हीरा उसको ये कहता है कि नहीं भाई, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है कि हम बेवजह किसी को मारें। फिर उन दोनों को वही सूखा भूसा खाने के लिए मिला। दोनों चुपचाप खड़े रहे। जब घर का के लोग भोजन करने लगे तो उसी वक्त एक छोटी सी लड़की हाथ में दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी लेकर के इन्होंने डाल दिया। उस रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती मगर हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये भी एक महत्वपूर्ण है। इस पर प्रश्न भी आता है कि दोनों लड़कियों को भी हीरा और मोती से प्रेम क्यों था। ठीक है, तो वह लड़की जो भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसको बहुत ज़्यादा मारती पीटती रहती थी। इसी के कारण जब उसने देखा कि बैलों को भी ऐसे ही मार पड़ रही है और उनको भी खाना नहीं मिल रहा है, तो उसको मन में बैलों के प्रति एक आत्मीयता का भाव आया। ठीक है, और उसने एक एक रोटी दोनों को खिलाया। इससे उनकी भूख तो शांत क्या होती मगर आत्मा का भोजन मिल जाना, यानी उस प्रेम से जो उसने खिलाया तो उसे उन बैलों को ये लगा कि कुछ लोग तो यहाँ भी ऐसे हैं जो वाकई में मानव हैं, जिनके अंदर आत्मीयता है, जो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए इस बच्ची ने हमें ये रोटी ला करके खिलाया। ठीक है, अब तो ये रोज का एक नियम बन गया था। वह दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को जब वो बांध दिए जाते तो रात में वो बालिका आती और दोनों को एक एक रोटी खिला करके चली जाती। उस प्रेम के प्रसाद में इतनी बरकत तो जरूर थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर, यानी थोड़ा सा सूखा भूसा खा करके भी ये लोग दुर्बल नहीं होते थे, मगर इनकी आँखों में और इनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ये गुलामी उन्हें पसंद नहीं थी। इस तरह से गया के यहाँ रहना और काम करना उन्हें स्वीकार नहीं था। एक दिन जब हीरा ने फिर मोती ने अपनी मूक भाषा में हीरा से कहता है कि अब तो भाई मेरे से सहा नहीं जाता, कहो तो मैं इन लोगों को अपनी सींगों पर उठा करके पटक दूँ। तो कहते हैं कि लेकिन हीरा कहता है कि भाई लेकिन जानते हो, प्यारी सी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है वो इसी घर की लड़की है, इस मालिक की है, वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो कहता है कि क्या मैं मालकिन को ही पटक देता हूँ, क्योंकि वह तो इसको मारती है। लेकिन हीरा कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हैं। यहाँ पे स्त्री के प्रति एक मानवीय भाव को प्रेमचंद ने व्यक्त किया है कि स्त्रियों पर सींग चलाना मना है, यानी कि हम स्त्री पर आक्रमण कर नहीं सकते, हम उसे मार नहीं सकते, ऐसा करके हम अपनी वीरता को नहीं दर्शा सकते हैं। अगर वो स्त्री है, चाहे वो कहीं की भी है, वो दुश्मन के घर की भी है, तो भी वो सम्माननीय है, प्रतिष्ठित है, हम उसको उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकते, ना ही हम उनके साथ अत्याचार कर सकते हैं। मोती के कहने पर कि तुम किसी भी तरह से नहीं निकलने देते हो तो क्या करें, रस्सी को तोड़ा दें, तोड़ करके चलें, तो हीरा कहता कि हाँ, इस पर मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि हम रस्सी को तोड़ करके भाग चलें। रात के समय में बालिका जब दोनों को रोटी खिला करके चली गई तो दोनों ने रस्सियों को चबाना शुरू किया, लेकिन रस्सियाँ इतनी ज़्यादा मोटी थी कि उनके मुँह पर नहीं आती थी। सहसा फिर घर का द्वार खुलता है और वह लड़की फिर आती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें खोलने देती हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, क्योंकि घर में आज यह चर्चा चल रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाए। ठीक है, नाथ डालना, नाथ कहते हैं नाक के इस बीच भाग में छेद करके मोटी मोटी रस्सियाँ, देखा होगा आप लोगों ने कि बैलों को ऐसे करके पहनाई जाती है रस्सी, जो नाक के बीच में छेद करके मोटी रस्सी उनके नाक में डाल दिया जाता है, उसको कहते हैं नाथ लेना, नाथना, यानी नाक में वो रस्सी को पहना देना।
क्योंकि अगर बैल उससे बदमाशी करते हैं या वो काम नहीं करते रहते हैं या वो अड़ जाते हैं, उस रस्सी को जब पकड़ के खींचा जाएगा तो उनको पीड़ा बहुत ज़्यादा होगी नाक में। उस पीड़ा से बचने के लिए तो जैसा उनको कहा जाएगा वैसा काम करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो गांव घर में उनके यह चर्चा चल रही थी कि ऐसे ये बैल नहीं मानते हैं, इन्हें मारना पीटना पड़ता है, ये काम ठीक से नहीं करते हैं, तो अच्छा है कि हम इनकी नाक में नकेल डालना। तुमने सुना होगा इस बात को कि उसकी नाक में नकेल डाल दिया। नकेल डाल देना मतलब उसको अपने वश में कर लेना। ठीक है, इस तरह से वो अपने वश में आएंगे, तो वश में क्यों नहीं आएंगे, जब उनके नाक में ही रस्सी पड़ी हुई रहेगी और उस रस्सी को खींचा जाएगा तो निश्चित है कि उनको पीड़ा ज़्यादा होगी। जब पीड़ा ज़्यादा होगी तो जो कहा जाएगा वो करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, उसने गराव खोल दिया लेकिन दोनों चुपचाप खड़े थे। अब इसलिए वो लोग खड़े थे कि उनके मन में ये भाव था कि यदि हम भाग जाते हैं तो सबको ये पता चल जाएगा कि इस बालिका ने ही हमारी रस्सी खोली है, तो हो सकता है बाद में उसको मारा पीटा जाए, उसके साथ अत्याचार किया जाए, है ना, फिर इस पर एक आफत आ जाएगी। सहसा वो लड़की खूब जोर से चिल्लाई कि दादा, वो दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, दोनों के दोनों भागे जा रहे हैं। गया जब तक हड़बड़ा करके बाहर निकला तब तक ये दोनों बैल वहाँ से भाग चुके थे। गया ने पीछा किया लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। गाँव को के लोगों को लेने के लिए जब तक वो लौटा तब तक दोनों बैल अपने गांव की सीमा से बाहर जा चुके थे। अब वो इतनी तेज़ी से भाग करके आगे बढ़े कि उन्हें मार्ग का अंदाज नहीं हुआ, वो रास्ते का ज्ञान उनको रहा नहीं। जिस परिचित मार्ग से वो आए हुए थे ये रास्ता वो नहीं था, यहाँ तो नए नए गांव, नए नए खेत मिल रहे थे। अब वो खड़े होकर के सोचने लगे कि वो रास्ता भूल गए हैं, अब वो क्या करें। हीरा कहता है कि हम लोग अपना रास्ता भूल गए। मोती ने भी कहा कि तुम तो बेतहाशा भागे, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वहीं उन लोगों को मार करके गिरा देता, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी करे लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे भी थे वो हमारे मालिक थे, हम उनके घर पर थे, इससे हम उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते। फिर दोनों को भूख लगी तो मटर के खेत में गए, मटर के खेत में भरपेट उन्होंने मटर खाया। इसके बाद एक दूसरे से सींग मिलाया, थोड़ी देर उछल कूद किया। ठीक है, फिर थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एक सांड उधर से दौड़ता हुआ चला आता है। उस सांड को देख करके वो दोनों समझ जाते हैं कि अब इससे हमारी जान नहीं बचेगी, हमारे पास एक ही उपाय है कि हम दोनों मिल करके इसके का सामना करें। अगर हम इसको, या तो वैसे भी तो हम मर ही जाएंगे, वैसे भी तो हमें, अगर हम इसका सामना नहीं भी करेंगे, इसे नहीं भी लड़ेंगे तो भी ये हमको मारेगा, तो इससे चाहे क्यों ना हम एक साथ मिल करके इस पर आक्रमण करें, हो सकता है कि तब हम अपने जीवन को बचा पाएँ। तो दोनों ने यही किया और दोनों ने एक ने आगे से चोट करता था, एक पीछे से किया। जब दोनों ने मिल करके उस सांड से युद्ध किया तो उस सांड को उन्होंने धराशायी कर दिया, उसको गिरा दिया। और सांड संगठित शत्रुओं से लड़ने का आदि नहीं था, इसीलिए वो विवश हो गया उनके सामने और वह घायल होकर के गिर गया। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अकेले अकेले रहने से ज़्यादा अच्छा है कि जब संगठित होकर के मिल करके अगर कोई काम करते हैं तो वो उससे हमारी शक्ति ज़्यादा होती है और हम संगठित होकर के ही अपने शत्रु का सामना कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोनों अपने विजय के मद में खूब नशे में चूर रहते हैं। फिर वो मोती कहता है कि मुझे तो फिर भूख लग गई है और मैं फिर जो मटर खड़ी है उसे मैं फिर खा लेता हूँ। हीरा ने उसको मना भी किया लेकिन फिर भी वह मटर के खेत में घुस गया और उसके वो जैसी दो चार ग्रास खाया ही था कि गांव के जो लोग थे, वो खेत के रखवाले थे, वो लाठी लेकर के दौड़े हुए चले आए। हीरा मोती उसमें से निकलकर भाग नहीं सका क्योंकि उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे और कीचड़ में धंसने के कारण वो तेज़ी से भाग नहीं पाया और पकड़ लिया गया। हालांकि हीरा बाहर मेड़ पर खड़ा था, वो चाहता तो भाग सकता था लेकिन उसने देखा कि उसका साथी संकट में है तो वो भी भागा नहीं और वापस लौट करके आ गया। प्रातःकाल दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान जहां पर लावारिश पशुओं को बंद करके रखा जाता था, जो खेतों का नुकसान पहुँचाते थे, आवारा घूमते थे, जिनका जो किसी के अधीन नहीं थे, किसी के संरक्षण में नहीं थे, ऐसे पशुओं को वहाँ पर ला करके बंद कर दिया जाता था। और जब उसका मालिक उन्हें ढूंढता हुआ आता तो वो जुर्माना दे करके उसे ले जाता और अगर कोई उसको लेने नहीं आता तो कुछ समय के बाद उन पशुओं की नीलामी कर दी जाती थी। ऐसे ही दोनों मित्रों को भी ले जाकर वहाँ बंद कर दिया गया लेकिन सारा दिन बीत गया, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, सिर्फ एक बार पानी ही मिला। भूख से उन दोनों का हालत
बहुत पस्त था, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी जानवर बंद हैं सारे के सारे कमज़ोर हैं, किसी के पास कोई दाना नहीं रखा हुआ है, चारा नहीं रखा हुआ है, कोई तो उठ भी नहीं पा रहा है, कोई पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कुछ ही समय के बाद वह मर जाएगा। अब ये देख करके भी जब भूख से प्राण निकलने लगे तो उन्होंने उसकी मिट्टी चाटना शुरू किया, लेकिन मिट्टी चाटने से भी उनके भूख का संतोष नहीं हुआ।